याने मैंने इसके लिए प्रैंक कराया और जो याने मेरे लंक लगाए ना उनका फोन करके मम्मी मेरे के लिए प्रैंक कर दिया, मेरे के लिए प्रैंक कर दिया, मम्मी बात ही नहीं तो मम्मी ने छोड़ दिया। चल कोई बात नहीं, तू कहे को आया भाई सही करो ऐसी करेगा बहु आसम सुनवाई है ना मम्मी तेज ओए मम्मी तेज मार रहे करेगा आज के बाद ऐसा करेगा ओए मम्मी ले चुका दिया तो नहीं आया उठाते बहुत देर को बम मुझे वो करेगा मम्मी यार मुंह पे मत मारियो बस क्या है ओए क्या क्या ऐसी पे मम्मी आज के बाद ना करेगा ये स्प्रे हाँ और कुछ बोलो और कुछ राम राम जी। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक भाटी पे। तो जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने पहले बड़े ब्लॉग को तो प्यार और सपोर्ट दिया। तो जो मेरे छोटे भाई देख रहे वैसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, जो मेरे बड़े देख रहे वैसे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो जी भाइयों सुबह सुबह जल्दी नहा धो हो चुके तैयार, तो जुड़े रहो दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं। और नहा के भाई सबसे पहले तुम्हारे भाई ने करी पूजा, तो पूजा भी कर ली है, तो जुड़े रहो दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और जैसे कि आज है मंगलवार तो सबसे पहले हनुमान मंदिर भी जाएंगे, तो जुड़े रहो दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। चलो तो जी हमारा मंदिर जय बाबा की। चलो तो जी भाइयों चल दिए मंदिर, चलो जय बाबा की जय बाबा की। चलो अब सीधा मंदिर चल के मिलते हैं आपसे। जी भाई सबसे पहले डलवा लेते तेल इंगे तेल डलवा लिया है। चलो जय बाबा। चलो तो दर्शन कर लिए अब चलो जय बाबा। चलो ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज क्लास की ना लीव थी जस्ट बिकॉज मतलब स्टूडेंट्स नहीं आए थे आज, और प्लस आज कुछ मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी सुबह से। आज सर बन रहा सुबह से, जो ऋतिक ने परसों प्रैंक किया ना उसका असर मतलब अभी तक आप देख सकते हो मेरी फेस से भी पता चल रहा है। मैगी हम बना रहे हैं, दवाई भी खा ली, तबीयत मैगी हम बना रहे हैं, प्रैंक हम कर रहे हैं, तबीयत यक खराब है। पर भाई एक चीज बताऊं, वो जो धक्का था ना जो मुझे लगा था वो एकदम शॉक, वो मुझे अभी तक बीमार है, अभी तक मैंने सदमे में हूं, दिमाग से निकला नहीं है। लेकिन भाई एक चीज बताऊं, मंगलवार को मंदिर जाना चाहिए, मतलब मंदिर जाके ना एक अच्छी वाइब आती है। कहाँ जा रहे हैं? अभी बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, तो पहले मैं बता दूं भाई मंगलवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए, मतलब मंदिर जाके ना एक अच्छी वाली वाइब आती है, सच बताऊं, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, तो मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो चलो चलते अब सीधा, और भाई मैं बता देता हूँ कहाँ जाना है। तो मैं जाऊंगा आज घर, तो चलो घर चलेंगे, तो आपको घर चल के मम्मी से मिलवाता हूँ। और जो याने मैंने इसके लिए प्रैंक कराया और जो याने मेरे लंक लगाए ना उनका फोन करके मम्मी मेरे के लिए प्रैंक कर दिया, मेरे के लिए प्रैंक कर दिया, मम्मी बात ही नहीं तो मम्मी ने छोड़ दिया। चल कोई बात ना अभी यहाँ ही हूँ। अब मम्मी का मेरे पास सच में फोन आया सच में कि तू घर आ जा तो बताऊंगी, अब घर जाकर मेरे में वैसा बाजेगा। तो चलो चलते हैं। चलो तो भाई अब फाइनली चलते हैं घर, और घर चल के आपको सीधा मम्मी जी से मिलवाते हैं। और मैं तो डरो लग रहा मम्मी जाते ही बजाएगी आज। चलो चलते हैं सीधा घर चल के मिलता हूँ आपसे। भाई जस्ट अभी आए हैं घर, गाड़ी कर दी पार्क, और भाई सबसे पहले कपड़ा चेंज करे मैं, उनकी टी शर्ट पहन लो। तो मम्मी अभी किसी काम से बाहर गई हुई है, ठीक है, तो मम्मी आ रही है, तो आपको मम्मी से मिलवाता हूँ। और फोन ना मैं ऐसी जगह रख दूंगा मतलब कि मम्मी को दिखे ना, या अनुआ पकड़ा दूंगा तो मम्मी का रिएक्शन देखूंगा। भाई मम्मी बहुत गुस्सा, चलो मम्मी का रिएक्शन दिखाएंगे। वो लगे मेरे बाज तभी पे आए, पर कोई बात नहीं जय बाबा की। तो जो भाई अभी आ चुके हैं दुकान पे, अरे ये देखो ना धोख कहाँ जा रहा भाई तू है, चल वो तो अच्छी बात है, उसके अलावा कहाँ जा रहा है बता दे कैसे, अब मैं बता दूंगा तेरी मम्मी से बता रहा हूँ, अपनी सेटिंग का नाम बता दा। तो जो भाई दुकान से आ चुके हैं भाई, अरे ये रे मेरे साथ कर लूँ भाई, सुन एक काम करना, दो करूँगा मैं कुछ, क्या क्या फोन छुपा कर दूंगा कैसे ऐसे, मैं बता दे मुझे मुझे पता है भाई, फोन छुपा कर पैसे रखना ही तो बता, पहले बता तो दे, पहले सुन मेरी एक बात,
कथी कहना मिर्च मसाले लगाए ना कौन से मिर्च मसाले कोई से भी कोई याद नहीं मुझे ना भाई एक की दो लगाएगा मैं बताइएगा भाई मुझे ना पता भाई मम्मी सच में तुम मजाक मानोगे मम्मी सच में बहुत छो है मम्मी बस एक ही बात कह रही कि तैने प्रैंक करा चल अच्छी बात है तैने मेरी बहू रुवाई क्यों और अन्नू भाई भी बोला गया पूरा मिर्च मसाले लगाएंगे लेकिन कोई बात ना ठीक है अन्नू सच में ज्यादा लग मत लगे मैं अकेला गाता फोन तो पकड़ ले मम्मी नमस्ते कौन तो फिर तो प्रैंक करने देख पाया उसने कौन है वो मेरे दोस्त की कौन से दोस्त है क्या बहुत अच्छा लगा तू तो ऐसी करे ओए पीछा हटा पीछा मम्मी मारे के लिए पता होंगे जान बूझ कर कलान ने राजमा चावल खा रहा है राजमा चावल उसके हाथ और भाभी ने कहीं राजमा चावल खा लो तो खा भी ना रहा दूसरे के हाथ से समझ नहीं अच्छा लगा है अच्छा लगा मम्मी मार के रही हो मार ले ना का करा उसके ना सुन रहे अभी के ले रहे होगा तो उसे असर होगा तू क्या प्रैंक कर रहा है प्रैंक कर रहा अभी मिला रही किसे फोन इतनी जानना बड्डा बड्डा ही रहे छोटा जी बड्डा भाई है छोटा छोटा ही रहे बड्डा बड्डा ही रहे मार क्या आज की बात क्या करेगा मम्मी मार इतने में तो मार याद तो दिखाओ मम्मी याद तो दिखाओ एक सेकंड दिखाओ तो एक मिनट दे तो दो छीन रहा मम्मी से आज से छीन रहा आज से मम्मी बहुत देर हो गई मारो यार मम्मी हाथ का अच्छा लगे उल्टे हाथ का मार उल्टे हाथ का मार और मार या मार मम्मी या मार मेरे को क्यों मारेगी मम्मी देख जा रहा मार इसकी प्लानिंग थोड़ी या की मेरी नहीं यूं यहाँ होता तो समझती हूँ वो करा मम्मी मार सीधे हाथ का मार अब एक ली रुआई थी तरने तो हड्डी मम्मी क्या रुआई धक्का धक्का दे दे ऐसे अरे ऐसे धक्का दे दे तो धक्का दे दे धक्का दे दे मैं क्यों मार धक्का कर दे एक मार मम्मी इसमें भी तू क्यों मारेगी मारो मम्मी इसमें मारिए अब बहुत देर हो गई मम्मी तुम्हें हो जाते बहुत देर को तो मुझे वो करेगा मम्मी यार मुंह पे मत मारियो बस मम्मी बाहर के मां मुंह पे मत मारिए मुंह पे मत मारिए मुंह तेरा हो रहा मुंह पे मार लो पर आराम से मार लो आराम से मार ले तेरे बाप अभी देख के डांट गिरा तेरे को डांट के तो गिर देगा डांट तो लगाई जा अब मार क्योंकि तुम बोल रहा डोर का बोल रही है तू तो फोन कर ले पता लग जाएगी इसे फोन मिलाने क्या हो जाएगा खूब
सही है फोन नठा रही दोनों दे दो मेरा फोन करूंगी मैं उसका परसों खूब रो अन्न रहे ले इसके पैसा ले ले अन्न रहे ले अब हम जो इसकी यूज़ सजा और इसके पैसा मैं ना मुझे दे दे मैं रख लूँगा अन्न रख दे अब मैं रख लूँगा ले फ्रेंक कैसी करे मम्मी कैसी करते हैं फ्रेंक और पैसा तो बहुत अन्न क्या है वो कहता गिरन दे यहाँ यहाँ पैसा गिरन दे यहाँ मम्मी यू क्या बात है भाई ये गिरेंगे अरे मैं तोड़ दूंगा मैं तोड़ भी दूं गिर गए गिर गए अभी मोमोस खान जा रहा हूँ कैसा अच्छा मैं तोड़ दूंगा यार कहाँ तोड़ दिए जा हैं हैं कभी टूट जा अब तो मैं जा रहा हूँ मोमो हट जा गया भाई गया आज तक कैसा तेरा लगा सौ रुपया पैसी पे एक मम्मी क्या चल मम्मी कोई बात ऐसी प्रैंक बना रहे ऐसी प्रैंक हम अच्छे नहीं लगते हम अच्छे नहीं लगते हमें डर के मगर यू कौन आ गई ऐसी रो रही दीप जी का तो रो ये मैं कहा करूँ अब जब वो इतनी होती ना मैं माँ कसम खा तेरा हड्डे चटका देती अच्छी तरह से अब बाकी फोन करा है तुमने बाकी बता दो तो मारोगी तुम्हें अरे मम्मी जी ब्लॉग में मम्मी सब देखे तुम मारती रहो सही है तो देखने अभी तो कहूंगे कि आज के बाद ऐसा प्रिंट ना करना चाहिए यू तो तुम दीप सी का रिवेंज लेती बहुत लगे तुमने ले लिया दिखे पिंक कमीज व्हाइट पैंट ब्लैक पैंट लो यहाँ का फोन आ गया देख रहे हो भाई स्पीकर वगैरह स्पीकर पे हेलो दिखाना मुझे सुन वो मुझे दिखा लियो नमस्ते ठीक है आज के बाद मैं करेगा यस फ्रैंक हाँ 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 और कुछ बोलो और कुछ तो वही तो ओला करती है आ जाती समय छोड़ जाती फिर मैं भुगत देती सच्ची तरह से अच्छा बताया भी नहीं ना अपना हर चीज का मजाक बना दी हाँ आज के बाद ना करेगा देख इन्नू क्या कह रहा है दीप सी का कह अब कह हर चीज का ही मजाक बना दिया इन्होंने देख ही रहा हूँ मैं तुम भी देख लो तुम्हारे पास रहता ही अब तुम देख लो जरा मेरी तो नजर हट गई ना इस पे से अब आपकी नजर इस पे है ना देख रही कितने कितना बोले है बताओ अभी बताओ बता कितने थप्पड़ लगे हैं मुझमें हेलो ग्यारह थप्पड़ लगवाए भी मतलब की और मैं अभी दुकान पर आया हूँ हाँ हाँ बताऊंगा सुन मैं कल आ जाऊंगा फिर कल कर दूंगा प्रैंक ज्यादा नहीं तो कल कर रहा हूं तो मम्मी मार हम तो अभी बैठा था कर रहे सब तो सामने मार सकता अब नहीं करेगा आज के ले अब आ गया आवाज कल ना करो ना ये बारवा हो गया थप्पड़ चल रह जा और अब इसके 200 रुपया इनका पीजे ले आ रहा हूं देख ठीक है ठीक
अरे मम्मी प्रैंक का तुम इतने सीरियस ले रही हो। एक मुंडे के चक्कर में लड़ी दो लड़कियां। चल कौन सा गाना मम्मी पर सही ना करा। और भाई मम्मी सच में सीरियस हो गई मम्मी, यूं लग रही है जैसे मैंने क्या प्रैंक कर दिया हो। प्रैंक तो चलो अच्छी बात है, तो थोड़ी देर में। अच्छा यू फिर प्रैंक कैसे होता? अच्छा राजमा चावल भी घर में भी और फिर भी नहीं बता रहा, तो यही तो प्रैंक होता माते। भाई मम्मी सीरियस होकर कहते चलो मम्मी समझा दो कि प्रैंक प्रैंक ही हो है। मम्मी सीरियस लेके बैठी है। और तैने मेरी गल सही ना करा ठीक है ना, याद रखियो। देखो भाई खाने कितना शौकीन है, देखो चावल खा रहा आंख पर रख के, हटा ले ऊपर कर लो ऊपर चावल ना है वो तो। चलो तो भाई अभी मम्मी समझा देता हूँ कि प्रैंक प्रैंक ही था, तो ज्यादा सीरियस ना हो। अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो जो भाइयो जय बाबा की, आ चुके हैं अपने रूम में। ठीक है हमारा ढोलू ऐसी बैठा रहे ये हमारा ढोलू। चलो तो जी भाइयों इसी के साथ आज वाला ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप यहां तक आ ही चुके हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और भाई जैसे कि आपको पता है मम्मी तो पिटना तो मेरा तय है, क्योंकि मम्मी ने जब दीप शिखर होती हुई देखी ना तो बस मम्मी कह रही तू आ जाता हो तो मैं बताऊंगी। मम्मी मुझ में बजाती तो वाई देनी, लेकिन मम्मी ने छोड़ देनी तो कोई बात ना, तो जब घर आ तो जब बताऊंगी। तो भाई और मुझे एक चीज़ आपसे भी कहनी है, तो जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरे बड़े हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल वाले प्रैंक को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, ये तो दिल से ना बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो आप सब ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। कोशिश भी करूँगा और भाई मेहनत भी करूँगा कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रैंक चलाता रहूँ, कि आपको कुछ अच्छा अच्छा दिखाता रहूँ। मतलब जितना आपको थैंक यू बोलो ना उतना कम है, बस आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो आप सब ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। कल वाले प्रैंक को आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया ना, सच्ची देख के दिल बहुत खुश हो गया। तो बस आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप सब ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और बस आई को लव यू से बस आप सब ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो मिलते हैं कल, तो राम राम लव यू, जय बाप मोहन राम की, और सब सुमेन चीज भाईचारा बनाए रखो और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और एक बार फिर से एक चीज़ कहनी है, जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे बड़े, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रैंक को इतना प्यार दिया। और कोशिश भी करूँगा, मेहनत भी करूँगा, ऐसी अच्छे अच्छे प्रैंक्स लाता रहूँ और ऐसी मेहनत करता रहूँगा। बस आप सब ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो जय बाबा मोहन राम।